वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज इस वीडियो में SST की। सोशल साइंस की बात कर रहे थे और अध्याय हमारा 7वां चल रहा था। हमने शुरुआत की थी किस प्रकार से व्यवसाय के लिए शिक्षा आगे आई और लोगों ने शिक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए नए नए आयाम, नए नए चीज़ें चालू की, उसकी बात करेंगे हम। हमने मैकाले की बात की थी कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा लाने वाला मैकाले ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा लाई, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए परिवर्तन हुए, उनकी बात की हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो हमने सीखी थी कि उसके तहत भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो एक वुड डिस्पेंस या वुड का नीति पत्र जारी किया था, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए थे भारतीय शिक्षा के तहत। तो समय समय पर इस प्रकार के बदलाव आते गए हैं, लेकिन जो 1854 में नीति पत्र आया, उसके बाद में भी अंग्रेज़ों ने अनेक अहम कदम उठाए। अंग्रेज़ों ने उस समय सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, और ताकि ये भी हो सके कि शिक्षा संबंधी जो भी कोई मामला है वो सरकार के नियंत्रण में रहे, सरकार से जुड़ा रहे, सरकार उसके बीच में हस्तक्षेप कर सके, तो काफ़ी चीज़ें होती गई। और अब जो शिक्षा है वो विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा की भी व्यवस्था की गई, विश्वविद्यालय मतलब उच्च शिक्षा की भी सुविधा की जाने लग गई, विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने लग गई, उसमें भी विकास हुआ। क्योंकि अगर इसके हम 3 साल बाद देखें तो 1857 के अंदर जो भारत में क्रांति हुई, मेरठ और दिल्ली में जो सिपाही हैं वो जो विद्रोह कर रहे थे, उस समय हमें समझना है कि उस समय बड़े बड़े जो नगर हैं उन नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। कहाँ कहाँ, जहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तो एक तो कलकत्ता है, ठीक है। इसके अलावा मद्रास हैं और बम्बई। मैं ये कह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली और मेरठ जैसे बड़े नगरों में क्रांति हो रही थी, सैनिक विद्रोह कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेज़ इन बड़े नगरों में शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे थे। कलकत्ता हो या मद्रास हो, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई कहलाता है, मद्रास को वर्तमान में आप सभी जानते हो चेन्नई कहते हैं, ठीक है। कलकत्ता या कोलकाता एक ही बात है। तो समय के साथ में स्कूली शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन हुए और नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात हमको समझनी है। अगर हम 19वीं सदी के बम्बई का जो विश्वविद्यालय है उसको देखें तो उसको समझ सकते हैं। तो आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये उस समय का 19वीं शताब्दी का ये बम्बई में विश्वविद्यालय है। इसके अगर निर्माण की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति जब हो रही थी भारत में, उस समय दिल्ली, मद्रास और बम्बई के अंदर इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा था। तो अंग्रेज़ों द्वारा यूरोपीय शैली में निर्मित आप इन विश्वविद्यालयों को आराम से देख सकते हो, यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। और उन्होंने कलकत्ता के पास में हुगली नदी के किनारे एक सैरामपुर नामक कॉलेज भी खोला, ठीक है। और जो विलियम कैरे हैं जिसने सैरामपुर मिशन की स्थापना की, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रसारक थे और भारत के अंदर कुछ शिक्षा में बदलाव लाने का काम किया, उन्होंने सैरामपुर के अंदर स्कूल खोला, उसकी हमने बात की अभी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वर्ष 1800 में छापाखाना खोला और 1818 में ध्यान रखना एक कॉलेज भी खोला, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो स्थानीय पाठशाला है उसमें क्या सिस्टम था, कि स्थानीय लेवल में किस प्रकार से पढ़ाई होती थी भारत के अंदर पुराने समय में, अंग्रेजों के समय, वो समझना है। स्थानीय यानी लोकल, गांवों में किस प्रकार से जो पाठशालाएँ थी, पाठशाला मतलब स्कूलें थी, उनमें क्या सिस्टम था, किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। पाठशालाओं में क्या था, किस प्रकार से स्कूली शिक्षा उस समय थी,
ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम देखें उस समय तो अंग्रेज़ों ने भारतीय बच्चों को पढ़ाया, उस अंग्रेजी शिक्षा के तहत उनको नॉलेज दिया और यूरोपीय शैली या यूरोपीय जो संस्कृति है उसका जो प्रभाव है भारत में धीरे धीरे दिखने लग गया है। अगर हमको स्थानीय पाठशालाओं को समझना है तो सरकार द्वारा जो अलग अलग रिपोर्टें तैयार की गई अलग अलग लोगों द्वारा, उन रिपोर्टों के तहत हम बात करेंगे। जैसे एक बात करें विलियम एडम की रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट क्या कहती है, उस रिपोर्ट में भारतीय स्थानीय पाठशालाओं के बारे में लिखा हुआ है किस प्रकार से भारतीय स्थानीय पाठशालाएं थी। विलियम एडम की रिपोर्ट बात करते हैं हम, ठीक है। विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में देखें, 1830 के दशक में देखें तो स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति आए थे, एक प्रचारक आए थे जिनका नाम था विलियम एडम। कहाँ से आए थे ये स्कॉटलैंड से आए थे। स्कॉटलैंड के क्या थे, ईसाई प्रचारक थे। ईसाई क्या है, एक धर्म है, उसके प्रचार करने वाले थे। जैसे हिंदू प्रचारक हो या ईसाई प्रचारक हो, अलग अलग धर्म का प्रचार करने वाले में से ये ईसाई प्रचारक थे। स्कॉटलैंड के थे विलियम एडम, और विलियम एडम ने 1830 के दशक में अलग अलग ज़िलों का दौरा किया। उन्होंने बंगाल और बिहार यहाँ के ज़िलों का दौरा किया, बंगाल व बिहार के ज़िलों का दौरा किया, वहाँ पर भ्रमण किया, और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा कि भाई आप देखो कि हमारे यहाँ स्थानीय शिक्षा किस प्रकार की चल रही है। उस स्थानीय शिक्षा को समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए इनको काम सौंपा गया, किसको, विलियम एडम को। और विलियम एडम ने एक रिपोर्ट तैयार की, क्या की, एक रिपोर्ट इन्होंने रिपोर्ट में तैयार की, और रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया और उनको पता लगा कि जो बंगाल और बिहार हैं या जितनी भी पाठशालाएँ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पाठशालाएँ हैं ज़्यादातर, वो सब बहुत छोटे छोटे केंद्र के रूप में हैं, छोटे छोटे केंद्र हैं पाठशालाएँ, ये ध्यान रखनी क्या है, सब छोटे छोटे केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं पाठशालाएँ, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक पाठशाला में अधिकतर 20 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। और संख्या भी देखें इन पाठशालाओं में सारे पढ़ने वालों की संख्या तो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा थी। कितने, 20 लाख से, मतलब इतनी पाठशालाएँ थी कि एक पाठशाला में लगभग 20 विद्यार्थी से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इतने विद्यार्थी पढ़ रहे थे, 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे थे। लेकिन विचार करने वाली बात है कि ये जो 20 लाख लोग थे, ये संपन्न परिवार वाले के बच्चे थे, ठीक है। और पाठशालाएँ जो हैं वो संपन्न लोग ही चला पा रहे थे, स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जा रही थी, ठीक है। और ये पाठशालाएँ जो स्थानीय गुरु हैं उनके द्वारा शुरू की जा रही थी शिक्षा देने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और शिक्षा देने का जो तरीका है काफ़ी लचीला था। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो काफ़ी कुछ उसमें नई नई चीज़ें थी। उस समय बच्चों की फीस है ना, वो निश्चित नहीं थी स्कूल में कितने रुपये लिए जाएंगे, और पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी इन स्कूलों में, पढ़ने के लिए क्या नहीं थी, किताबें नहीं थी, फीस फिक्स नहीं थी, ठीक है। और पाठशाला कोई इमारत वगैरह में नहीं थी, और ऐसा नहीं कोई बड़ी बड़ी इमारत में थी, छोटी इमारत के रूप में, कच्चे के रूप में थी। स्कूल में पाठशाला में कोई बेंच कुर्सी वगैरह भी नहीं होती थी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हैं वो भी नहीं होता था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अलग कक्षा लेने का या बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं था, बस ऐसी ही पढ़ाई होती थी कोई, और पूरे साल में कोई ऐसा फिक्स समय सारणी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इस समय ये पढ़ाना है। स्कूल जो हैं वो बरगद के पेड़ के छांव में चलती थी, बरगद के वृक्ष के नीचे चलती थी। तो मैंने बताया आपको कि पढ़ाई है वो इनके नीचे चलती थी, बरगद के पेड़ के नीचे उनके छांव में, ठीक है। गांव में किसी दुकान या मंदिर के कोने में ही पढ़ाई चलती थी, किसी स्थान पर कोई मंदिर में बैठ करके पढ़ाई करते थे। और
बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी कि भाई बच्चों के माँ बाप के पास कितने पैसे हैं उससे उनकी फीस होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस लेनी देनी पड़ती थी। शिक्षा एक प्रकार की मौखिक शिक्षा थी। मौखिक शिक्षा होती थी, आगे ध्यान देंगे तो पढ़े की कोई ख़ास बात नहीं थी। इसके अलावा क्या पढ़ाना है ये गुरुजों पर डिपेंड करता था, गुरुजी ही पढ़ाते थे। ठीक है, विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक साथ में बैठते थे, एक जगह पर बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ में गुरु की अलग अलग बात होती थी कि इसको इतना आता है। उस समय की सिस्टम थी, सिस्टम की प्रणाली की बात की है। इसके अलावा हम देखें तो एडम ने कुछ और बातें वहाँ पर देखी। एडम ने पाया कि ये जो शिक्षा है ये बिल्कुल लचीली प्रणाली की है और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी अनुकूल शिक्षा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा उदाहरण के देखें तो फसल की कटाई के समय स्कूलें बंद रहती थी। फसलों की कटाई के समय स्कूल क्या रहती थी? बंद, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेत में काम करने लिए चले जाते थे। कटाई और अनाज निकाल जाने के बाद स्कूल दोबारा शुरू होती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। किस प्रकार से उस समय एक सामान्य पाठशाला थी उसको भी देख सकते हैं। उस समय प्राचीन समय इस प्रकार की पाठशाला हैं, ये गुरु जी हैं, सारे बच्चे हैं, इस प्रकार से पाठशाला चलती थी, ग्रामीण दृश्य हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से नई दिनचर्या या नए नियम लागू होते गए, नए नए सिस्टम शुरू होते गए, उसकी बात करते हैं हम। हेडिंग हो जाएगी हमारी नई दिनचर्या। और नए नियम, ठीक है, नए नियम और नए दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी की ओर देखें तो कंपनी मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर निर्भर थी। कंपनी का ध्यान था कि वो उच्च शिक्षा को आगे बढ़ावा दे, इसलिए कंपनी ने स्थानीय स्तर के पाठशालाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा 1854 के बाद में कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने का फैसला किया। 1854 के बाद में कि जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा है उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। कंपनी का कुछ ऐसा मानना था कि अगर वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसमें नए परिवर्तन करें, उसमें कुछ नई दिनचर्या या नए नियमों को लागू करें ताकि पाठशालाओं में सुधार हो सके और शिक्षा में भी सुधार हो सके, ऐसा अंग्रेज़ों का कंपनी का मानना था। बात यह है कि आखिर क्या सुधार करें, किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए कंपनी को। तो एक बात तो ये है कि सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे जो पंडित हैं उनको सरकारी नौकरी में रख लिया, पंडितों को, और एक पंडित को कम से कम 4-5 स्कूल देखने का जिम्मा सौंपा गया। पंडित को, जो पंडित लोग थे उनका काम था कि जो पाठशालाएँ बनी हुई हैं उनका देख रेख करना, उनका दौरा करना, उनकी जाँच पड़ताल करनी, उनके अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना और गुरुजी हैं उनको निर्देश देना कि वे समय समय पर सही ढंग से स्कूल में पढ़ाएं, बच्चों की रिपोर्ट लें कि कितने या किस प्रकार से शिक्षा में सुधार हो सके। ठीक है, इसके अलावा अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होता था, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सिस्टम शुरू कर दिया था और बच्चों की परीक्षा भी होती थी वार्षिक शुरू कर दी, नए परिवर्तन हुए जिसमें वार्षिक परीक्षा भी शुरू कर दी उन्होंने। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित स्कूल आएँ, शुल्क दें, समय समय पर फीस दें और तय जगह पर सीट जगह पर बैठे और अनुशासन का पालन करें। तो नए नए परिवर्तन आते हैं स्कूल के अंदर। 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद में कंपनी ने कुछ नए परिवर्तन किए, नए सुधार किए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे किस प्रकार से सुधार किए उन्होंने। अगर हम आगे देखें तो नए नियमों पर चलने वाली जो पाठशालाएँ थी उनको सरकारी अनुदान मिलता था, नई व्यवस्था उसमें थी। और इसके अलावा जो पाठशालाएँ नई व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर रहे थे उनके लिए सरकारी कोई अनुदान नहीं देती थी, सरकार कोई हेल्प नहीं करती थी, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जिन गुरुजों ने सरकारी नियमों की पालना नहीं की
उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, और जो गुरुजी नियमों की पालना करते थे सरकारी, तो उनको सरकारी सहायता मिलती थी। लेकिन समय देखा गया कि जिनको सरकारी सहायता नहीं मिलती थी उनकी पाठशाला कमज़ोर पड़ने लगी। पाठशाला क्या होने लगी? कमज़ोर पड़ने लगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक नया नतीजा ये निकला नई दिनचर्या नए नियमों का कि अब पहले वाली जो व्यवस्था है उसमें तो गरीब बच्चे भी पढ़ सकते थे, किसानों के बच्चे भी पढ़ सकते थे, क्योंकि वो लचीली शिक्षा थी, उसमें आराम से समय सारणी थी और अनुशासन या इसके अलावा और भी जो सिस्टम था वो खास नहीं था, उसमें कटाई के समय स्कूल बंद होती थी। लेकिन अब ये हुआ कि ऐसी शिक्षा चालू कर दी जो नियमित रूप से चलती है, इसके अलावा फीस वगैरह का सिस्टम शुरू कर दिया, तो ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से परिवर्तन हुआ शिक्षा के अंदर, और आज की शिक्षा में क्या परिवर्तन है, काफ़ी कुछ अंतर आप समझ सकते हो इसके बारे में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अलग अलग बातें आती हैं उस समय की कंडीशन को हम समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन थी यहाँ की शिक्षा नीति के अंदर। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची की, तो उसमें कुछ नए बदलाव आते हैं, नई शिक्षा के बारे में पता लगता है, तो उसकी बात करते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उस समय के भारत के बहुत सारे बड़े बड़े जो विचारक थे वो भी, मतलब ये वहाँ के इस समय जो बदलाव आए थे, इसका मतलब ये नहीं केवल अंग्रेज़ ही शिक्षा को भारत के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, बल्कि उस समय भारत के जो विचारक थे वो भी भारत में शिक्षा में परिवर्तन और उसके प्रयासों पर जोर दे रहे थे। जो भी यूरोप से जो प्रभाव आ रहे थे भारतीय लोगों पर, उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का भारत या पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने अंग्रेज़ों से ये आह्वान किया कि वे कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, विश्वविद्यालय खोलें और इसके अलावा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें ताकि शिक्षा को बढ़ाया जा सके। और इसके संबंधित कुछ प्रयास भी किए सरकार ने, काफ़ी कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें जोड़ी उन्होंने। इसके अलावा महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इन लोगों में से थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ काम किया, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। लेकिन एक बात और यहाँ समझ में आती है कि आखिर अंग्रेजी जो शिक्षा थी उन्होंने हमें गुलाम बना दिया, भारत का कुछ ऐसा मानना था, लोगों का कुछ ऐसा मानना था, क्या मानना था कि जो अंग्रेज लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा है उन्होंने हमें क्या बना दिया, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, इस प्रकार की बात भी आती है। इस प्रकार के कोटेशन को हम समझेंगे किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे मानसिक स्तर पर प्रभाव डाला, ठीक है, तो ये भी समझना है हमें। अब देखो महात्मा गांधी का कुछ कहना था, महात्मा गांधी का कहना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा, औपनिवेशिक जो शिक्षा है वो जो शिक्षा है वो भारत के मस्तिष्कों में हीनता का भाव या हीनता का बोध कर रही है, ठीक है, उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है और इससे पश्चिमी संस्कृति श्रेष्ठ हो रही है, वो आगे बढ़ रही है और अपना जो स्वभाव या अपनी जो संस्कृति है उसका नाश हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है, ये पावपूर्ण है, ये भारतीय लोगों को दास बना रही है, भारतीय लोगों पर प्रभाव डाल रही है, इससे भारतीय शिक्षा ख़त्म हो रही है, भारतीय संस्कृति को नुकसान हो रहा है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। महात्मा गांधी इस प्रकार की शिक्षा चाहते थे जो भारत की अंदर की जो प्रतिष्ठा है, स्वाभिमान है, उसको बनाए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेज़ों को बताए कि वे अब गुलाम नहीं हैं, वो अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़ेंगे, इस प्रकार की बात कहते हैं महात्मा गांधी उस समय।
क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो हमको गुलाम बना रही है, हम उसके दास बन रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, उसको कमी आ रही है। और जब भी राष्ट्रीय आंदोलन कराते महात्मा गांधी, तो उन्होंने विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वे अंग्रेजी शिक्षा को या अंग्रेजी शिक्षा की जो संस्थान है उनको छोड़ दें। लेकिन अगर हम महात्मा गांधी के दृढ़ विश्वास की बात करें और उनकी दृढ़ मान्यता की बात करें, तो शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में जो शिक्षा दी जा रही थी वो भारतीयों को, भारत लोगों को अपाहिज कर रही थी, उनको एक गुलाम के रूप में बनाए रख रही थी। इसके अलावा उन्हें अपने समाज से अलग कर रही थी और उन्हें अपनी ही भूमि अजीब लगने लगी थी, क्योंकि शिक्षा जो मिल रही थी वो विदेशी यूरोपीय शिक्षा मिल रही थी, ठीक है। उनकी राय थी कि विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से गणना करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके बोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके अंदर कौन सी शिक्षा आ रही है, अंग्रेजी शिक्षा आ रही है। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी आने की वजह से भारत के जो निवासी हैं वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने जो तौर तरीके हैं उनको भूल रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं। वो पुराने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये भी हमको समझना है। खैर, हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भारत के अंदर भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग काम हुआ, अलग अलग चीज़ें हुई और उनको बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये भी हमको समझना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, न बल्कि कोई मौखिक ज्ञान है। और उस पश्चिमी शिक्षा के तहत पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ने वाली किताबों पर, ठीक है। और लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो रहा है। गांधी जी का कुछ ऐसा भी मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, बल्कि इस अंग्रेजी शिक्षा से ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं जो इससे काम कर रहे थे वो इसके बारे में कुछ अलग बातें कह रहे थे। शिक्षा से व्यक्तियों को हुनर आता है, कुछ काम के बारे में सीखते हैं किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में लोगों का मानसिक विकास अलग अलग होता रहता है, तो ये भी है। और कुछ बातें विशेष रूप से करने के लिए भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी लोगों ने काम किया है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो टैगोर का नाम शांति निकेतन शुरू होता है। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना आपने होगा, आपने टैगोर का शांति निकेतन, ठीक है। उसकी बात करते हैं, टैगोर का शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इस संस्था की स्थापना की। इसमें बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया और इस टैगोर ने यहाँ के माध्यम से भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, इस टैगोर संस्था के माध्यम से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये शिक्षा खोली, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ विशेष काम किया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप को सीखने का समय होता है, इसमें अंग्रेजी द्वारा कोई स्थापित शिक्षा या जो सिस्टम है या अनुशासन है उनमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि बचपन में तो हर प्रकार की चीज़ को सीखा जा सकता है एक स्वतंत्र रूप से। और टैगोर का ये भी मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, न बल्कि प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत अंकुश वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो अलग अलग स्थानों पर स्कूल खोलने का शांतिनाथ या शांति निकेतन के द्वारा शुरू काम हो गया, बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी और अलग अलग स्थानों पर बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूलें खोलने गई और भारतीय लोगों को शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार से काम होने लग गया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और धीरे धीरे देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, भारत के लोग ही भारतीय शिक्षा को देने लगे थे, इसे भारतीय लोगों को शिक्षा के बारे में पता लगा और आखिर वो भारतीय शिक्षा के बारे में जान चुके हैं किस प्रकार से भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।
इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, और किताब नहीं है तो किताबों को खरीद ली होगा, किताब खरीद करके किताब से भी इस टॉपिक को आप आराम से पढ़ें, साथ साथ के अंदर जो जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ उस किताब से भी पढ़ें और मेरे वीडियो को भी देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।